अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज नाश्ते में क्या बनाऊं। और ये चाय मेरी लगभग बन चुकी है। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है कि मैं नाश्ते में क्या बनाऊं। एक्चुअली नाश्ते में क्या बनाऊं इसलिए टेंशन हो रही है क्योंकि रोज़ रोज़ क्या बनाएं क्या खाएं थोड़ा सा अपने को लगता है कि नहीं क्या बनाएं, और डेली कुछ चेंज होना चाहिए और रोज़ रोज़ एक चीज़। एक्चुअली मॉर्निंग में इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा जल्दी चले जाते हैं, और जब ये जल्दी चले जाते हैं तो मॉर्निंग में हल्का नाश्ता ठीक नहीं रहता है क्योंकि इनको आने का इनका कोई टाइम नहीं है, कभी दो कभी तीन और कभी कभी नहीं भी आते हैं। तो एक बार मॉर्निंग में अच्छे से नाश्ता किए रहते हैं तो अपने को ना टेंशन ख़त्म रहती है कि हाँ क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। सो अभी देखती हूँ क्या बनाऊँगी। दूध तो मेरा गर्म हो गया है। चलो अब आप जाओ ब्रश करो फटाफट, और मैं थोड़ा सा गाजर का हलवा सोच रही हूँ बना लूँ। गाजर किस लूँ, फटाफट गाजर किस के और चढ़ा दूंगी। एक्चुअली क्या है कि मुझे ना ऐसे बैठ के एकदम कुछ काम करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे बैठ के कोई भी काम, जैसे कि बोलते ना कि आप बैठ के ये काम कर ले, मुझे ऐसे किचन में खड़े होके फटाफट थोड़ा सा इजी लगता है और मेरे पास बैठने का भी टाइम बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है, और बच्चे भी सो के उठे हैं तो उनको दूध वगैरह देना, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैटर करती हैं। तो फटाफट जल्दी करो बेटा ब्रश, और बच्चे भी कहाँ किसी की सुनते हैं। मेरा गाजर का हलवा बन के अच्छे से रेडी हो गया है। एकदम ताज़ा ताज़ा गरम देख रहे हैं, भाप निकल रहा है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, और मैंने पास्ता बनाने की भी पूरी प्रिपरेशन कर ली है। मटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, गाजर, टमाटर, और बाकी चीज़ें मुझे ऐड करना अच्छा नहीं लगता है इसके साथ क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते हैं। और पास्ता भी मैंने बॉयल करके रख लिया है, और अब बनाऊंगी मैं पास्ता। और अब मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता। सो ऑयल, मैंने इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची का तड़का दे दिया है। मिर्ची मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, और मैंने इधर तीन टमाटर रख लिए हैं, और ये सारे सॉस मैंने मिक्स करके रख लिए हैं क्योंकि अलग अलग डालो तो क्वांटिटी का थोड़ा सा इशू हो जाता है। मटर तो इतने अच्छे हैं, सच में मटर खाने का मजा ना ठंडियों में ही होता है। तो मैंने गाजर और मटर भी ऐड कर दिया है, और अब इसको प्रॉपर चलाते रहेंगे, अब ये जल्दी गल जाए। थोड़ा सा मैं नहा चुकी हूँ, अभी जस्ट नहा के आई हूँ, और ये थोड़ा सा कपड़े इधर पड़े थे चूँकि मैंने डाल दिए हैं। कपड़े क्या, नाइटी है, नहाने के बाद जो पहन लेती हूँ मैं, थोड़ा सा बॉडी सोक हो जाती है उसके बाद कपड़े पहनती हूँ। और अब मुझे लग रही है भूख बहुत ज़ोरों की भूख। घर तो मैंने प्रॉपर लगभग सभी सेट कर दिया अच्छे से, सब सेट है एवरीथिंग। ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने वॉशिंग मशीन के ऊपर धोने के लिए रख दिए हैं। रियांश
क्या कर रहे हो सोना? आओ थोड़ी बातें करें। आपको मन है बातें करने का? आज रियांश ने क्या पहना है दिखाओ जरा। अच्छी वाली ड्रेस पहनी है कि सुंदर सुंदर? हाँ तो क्या पहने हो? टी शर्ट, जैकेट। अच्छा और ये क्या है? ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं? इसको भी जैकेट बोलते हैं क्या? हाँ पैंट बोलते हैं। अरे वाह रियांश तो बड़ा होशियार हो गया भाई। आओ तुम भी आ जाओ, तुमको तो कंघी करना नहीं है, चलो कंघी कर दो बाद में। रिद्धि का चारा अच्छे से दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? चारा। चारा मतलब मटन। तुम तो चारा ही बोली हो। चलो मैं खा लेती हूँ, जब तक तुम लोग मटर छील लो। हम लोग मटर छील रहे हैं और आप काम कर रही हैं। काम कर रही है, आराम कर रही है, काम निकल गया। आराम नहीं कर रही हूँ मैं, खा रही हूँ। हम लोग हां तो ये आराम करेंगे। मुझे कितना मजा आ रहा है देखिए, और हमें सजा मिल रही है। हम लोग बीच बीच में खाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना कि मैं बताओ मेरे सारे मटर छू जाएंगे, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा मटर छूने के लिए। क्या हुआ रियांश? मटर ही गिर गया आपकी सब्जी में। रियांश क्या हुआ? ये हाथ डाल दिया। सबको मजा आ रहा है मटर छीलने में? हाँ मुझे खाने में। यह छीलता छीलता आधा खा जाती आधा डाल जाती है। आई रियांश पानी के लिए, और शरद बोली पानी शरद के लिए, तो हमने बोला हाँ शरद दे रहूँगा पर थोड़ा सा, क्योंकि वो फिर से मान्या को नानी सीरियल में बड़ा इंटरेस्ट है ना मान्या? हाँ ज्यादा। मैं नहीं है, मैं दे रहूँ। मुझे शिन तो हो ही, मुझे शिन चैन में बेटा कंघी वंघी अच्छे से करवा लो। देखो ना कितने अच्छे से गुल्फे बिखरी हुई। डालो इसमें और छीलना है आपको। चलो मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ। और अब मैं खाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। एक्चुअली ये यही खेल रहा था तो मैंने कहा बैठ जाती हूँ इसके पास। नहीं बैठती हूँ तो ये बहुत परेशान करता है, यहाँ से वहाँ मतलब इधर उधर भागना। और एक्चुअली यहाँ से क्या है, गेट के पास से सीढ़ी लगी हुई है, यहीं से नीचे सीढ़ी में जाते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं से, मुझे लगता है कहीं ये नीचे गिर नहीं जाए, इसके कारण थोड़ा सा डर रहता है। खाना है आपको हलवा? ये लो। मटर छीलने में इतने बिजी हैं। और मैं जानना चाहता हूँ कि इस काम के लिए शिनचैन को ही क्यों चुना गया है। बेटा ऐसे ऐसे छीलिए बेटा, मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं भी समझ रहा हूँ क्योंकि शिनचैन ने कोई लॉटरी नहीं खरीदी। पानी के लिए, और शरद बोली पानी शरद के लिए, तो हमने बोला हाँ शरद दे रहूँगा पर थोड़ा सा, क्योंकि वो फिर से मान्या को नानी सीरियल में बड़ा इंटरेस्ट है ना मान्या? हाँ ज्यादा। मैं नहीं है, मैं दे रहूँ। मुझे शिन तो हो ही, मुझे शिन चैन में। बेटा कंघी वंघी अच्छे से करवा लो। देखो ना कितने अच्छे से गुल्फे बिखरी हुई। गुल्फे बिखरी हुई। तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे द्वार को छोड़ दो।
सीढ़ी लगी हुई है, यहीं से नीचे सीढ़ी में जाते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं से। गुड आफ्टरनून, एक्चुअली गुड मॉर्निंग नहीं रह गया, गुड आफ्टरनून हो गया है, क्योंकि 1:30 बज गए हैं दोपहर के, और मैं बस अभी हेयर वॉश करके आ रही हूँ बाहर, है ना ना सुमित, तू अच्छी होगी ना बाहर। अभी जस्ट एक्चुअली नहा के आ रही हूँ मैं, हेयर वॉश किया मैंने, बालों में मेहंदी लगाई थी मैंने, काफ़ी फ्रीजी बाल हो गए थे देखिए, और मेहंदी लगाने के बाद थोड़ा सा मेहंदी में ही मैंने थोड़ा सा एग मिक्स कर दिया था, और उसको लगाने से बालों की थोड़ी क्वालिटी अच्छी हो जाती है और एकदम बाल सिल्की सिल्की होने लगते हैं, ऐसा है। और एक्चुअली आज मुझे काम नहीं था कुछ मॉर्निंग से, तो मैंने मेहंदी लगाई, और मौसम भी थोड़ा सा गर्म हो रखा है, थोड़ा क्या काफ़ी गर्म हो गया है, मतलब 2-3 दिन में इतना चेंज आ गया है मौसम में कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं यार इतना जल्दी इमीडिएट ऐसा चेंज होना नहीं चाहिए, बट हो गया, तो नेचर है। और आज मुझे थोड़ा सा पार्लर जाना है, पार्लर में ज़्यादा कुछ नहीं करवाना है, बस देखती हूँ थ्रेडिंग वगैरह कुछ ना कुछ, और थोड़ा सा जब काम रहता है ना, और ऐसे मार्केट जाने में मज़ा नहीं आता, जब 1-2 काम लेके मार्केट निकलो ना तो अच्छा लगता है कि नहीं 2-4 काम है, और ऐसे फालतू में जाओ घूमो, फिर जब आदमी के पास काम नहीं रहता ना तो आदमी डिसाइड नहीं कर पाता है कि नहीं क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैटर करती हैं। रियांश खाने में बहुत परेशान करता है, और वो अपने पापा को परेशान कर रहा है, एक्चुअली उसको खाना खिला रहे हैं, उसको खाना खिलाना मतलब टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, और उसको खाना खिलाने का मतलब है कि मतलब बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देना, क्योंकि उसको खिलाने में लगभग 1.5 से 1.25 घंटे लग जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एक चीज़ नहीं खाते, वो कुछ भी बहुत मन से नहीं खाता, जैसे बच्चे होते हैं ना कि नहीं किसी चीज़ों के लिए, जैसे कोई भी चीज़ कोई भी डिश बना दो, कुछ भी बना दो, स्नैक्स बना दो या फिर कोई भी स्वीट डिश बनाओ, स्टार्टर कुछ भी बनाओ, तो बच्चे थोड़े से क्रेज़ी टाइप के होते हैं कि नहीं मुझे खाना है, उसके अंदर ये चीज़ नहीं है, वो खाने के मामले में पता नहीं क्यों, और अनी है तो अनी को कुछ भी दे दो अनी सब कुछ खा लेती हैं, और आज अनी थोड़ा सा उदास हैं क्योंकि रिद्धि चली गई है। और ये महाशय जी, इनको मैंने अच्छे से रेडी कर दिया था नहला धुला के, और ये फिर से गए हैं पानी में कपड़े गीले करके उतार के आए हैं ना, क्यों करके आए वैसा, करूंगा इसका तो बस वही है करूंगा, क्यों ऐसा करोगे, आप गंदी लड़की हो, नहीं मैं लड़की नहीं हूं, लड़की नहीं हो, हाँ। अच्छा आप लड़के हो, हाँ। अच्छा आप स्मार्ट बॉय हो, अच्छा आप गुड बॉय हो कि बैड बॉय हो, क्या हो जल्दी बताओ, क्या हो बताओ, नहीं नहीं क्या हो आप बताओ, रियांश मेरा बताएगा क्या है बताओ, यो तुम तो यो ये शैतानी हो रही है, चश्मा को क्या बोलते हो, ये देखो ये लाओ लाओ तेल लगा दो, ये देखो इस लड़की को तेल लगाना बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है, अच्छा लड़का हो भाई, ये पूंजी दिख रही है पूंजी ब्लू ब्लू, आप दिख रहे थे, देखो अब आप पहन लिए ना, क्लचर कहाँ गया मेरा, लाओ दो मुझे, अच्छा ऐसा माने क्लचर होगा बेटे, चलो रेडी हो गए ना, माने क्लचर देना बेटा, कितना हल्ला करता है बेटा, नहीं है, नहीं ये है, ये देखो ये मम्मी के भूख जाओ, मैंने आपकी टोपी पे पीछे लगाया था, टोपी पे, ओ माय गॉड, कुछ नहीं मेरे उस पे लगा दी थी, तो अब ये हो गए हैं रेडी एकदम अच्छी तरह से, प्रियांश आप तैयार हो गए, घूमू घूमू चले, इसको मैं नारियल का तेल यूज करती हूँ क्योंकि इसको कोई भी तेल जल्दी सूट नहीं करता, एक्चुअली बहुत छोटा था तब से डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि इनको केवल नारियल का तेल ही लगाना है, क्योंकि जैतून का तेल भी नहीं सूट करता था और थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता था, इसलिए
यही लगाती हूँ मैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एक्चुअली आज मैं आगे का वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ काम है और एक जगह जाना है मुझे, क्योंकि एक दादी हैं वो बहुत बीमार हैं तो उनको देखने जाना था, या और भी बहुत सारे काम हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय गाइस। आ जाओ, तुम्हारे सिर में आ गया। रिद्धि आ जाओ, बैठेगा तुम्हारे।